कि आप मेरे साथ सो जाओ तो आपकी नौकरी मिल जाएगी, अगर आप नहीं सोओगे और किसी को बताओगे तो आपको गेट से बाहर कर देंगे। बना के बताना, हमें अच्छा लगता है, ये यहाँ के मैनेजर बोलते हैं। पुलिस वालों ने औरतों के साथ बदतमीजी किया, मारा भी, और लेडीज पुलिस वालों ने ये भी बोला कि ये कोठा बाहर जाके खोलो। ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके कोठा बाहर खुलेंगे? ओनरी को जो वैसे बोल रहे हो तो क्या कर रहे हैं आप? हमारी भी तो सुनो, आप भी एक लेडी हो। जो प्रक्रिया है औरतों को शोषण करना, होटलों में ले जाना, सैलरी कम देना, परेशान करना, वहाँ भी सेम यही है। हमारे पास वीडियो है दिल्ली पुलिस की, जिन्होंने उठाते हुए ये कहा है कि आप यहाँ पे धंधा नहीं करेंगे, आप बाहर धंधा कीजिए। अब जब ये वायरल हो गई वीडियो, यहाँ पे हमने धरना दिया, सबको नौकरी से निकाल दिया। नमस्कार, मैं हूं अचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। मैं सब मौजूद हूं दिल्ली के बुराड़ी थाने के बाहर, जहां पर इस वक्त महिलाओं द्वारा प्रदर्शन चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक खबर देखी होगी, जिसमें ये नजर आया था कि बुराड़ी अस्पताल के सफाई कर्मचारियों का अस्पताल के मैनेजमेंट के ऊपर छेड़छाड़ करने के आरोप थे। अब इनकी हड़ताल जो है लगातार 9 दिनों से चल रही थी, लेकिन आज सुबह दिल्ली पुलिस द्वारा इनके कुछ साथियों को उठाकर थाने में बंद कर दिया गया है, जिस कारण ये लोग यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं। एक बार इन्हीं सफाई कर्मचारियों के साथ जुड़ेंगे और इनसे जानेंगे कि अब इनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या कुछ हुआ था? हम लोग धरने में बैठे थे मैडम, ठीक है, उन लोगों ने DNS ने और DMS ने, यहाँ पे MD ने फोन किया, यहाँ पुलिस फोर्स गई थी, ठीक है, पुलिस वालों ने औरतों के साथ बदतमीजी किया, मारा भी, और लेडीज पुलिस वालों ने ये भी बोला कि ये कोठा बाहर जाके खोलो, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके कोठा बाहर खुलेंगे? ओनरी को जो वैसे बोल रहे हो तो क्या कर रहे हैं आप? हमारी भी तो सुनो, आप भी एक लेडी हो, आप भी एक महिला हो, ऐसे कैसे बोल रहे हो कि बाहर कोठे खुलेंगे? ये देखिए, ये महिला हमें बोल रही है, पुलिस कर्मी, हम लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे आज हम बाल कटवा देंगे, कैंची लेके आएंगे, हम यहीं बाल कटवाएंगे, सारे सरकार की आज बात पता चलेगी। किसको रख लिया, किसको 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 बुला, किसको बुला, जाओ ना, 2-3 लेडीज। केजरीवाल मुर्दाबाद, हाय हाय हाय, MD से डरता है, पुलिस को आगे करता है, MD से डरता है, पुलिस को आगे करता है, MD से डरता है, MD से डरता है। और लेडीजों को, कितने लेडीजों को, हम लोगों को तो मारा भी, हमारे तो जैकेट भी थी, वो भी इन लोगों ने उतार के मारा है, ठीक है, और ये गाली के साथ हम लोगों को, हमारे कुछ साथी हैं जो अंदर बंद है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए कि हमारे साथी को छोड़ो। अगर हम लोग मैडम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारे अधिकार दे दो, तो हम लोग यहाँ क्यों आएंगे? हमारे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस इसमें पूरा सपोर्ट है, हम लोगों ने ये कंप्लेंट 4 बार कर चुके हैं, मगर इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना हम MD बाहर गया, ना DNS गया, ना MD है, सारे अंदर है और चौड़े होके काम कर रहे, ना ये कंपनी रद्द हुई, कंपनी के भी सारे वैसी है, क्यों नहीं किए? कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है ये हिंदुस्तान की, वो केजरीवाल की सो रहा है, क्यों नहीं औरतों के लिए? तो कंपनी भर्ती के लिए 70,000-50,000 रुपए ले रही है हर वर्करों से, और महीने में 17,000 रुपए सैलरी है, कहती है 5,000 रुपए हमें निकाल के दे दो। हमने हर शिकायत दे दी हॉस्पिटल प्रशासन को, जिसमें आशीष गोयल MD है, DNS रानी है, सरदार जी है, सबको दे दी, जो हमारे साथ में दरिंदगी हो रही थी 4 सालों से, जिन वर्करों के साथ में, सारी कंप्लेंट दे दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। लास्ट मोमेंट ये आया कि हम सभी को ही बाहर कर दिया कि ये आवाज उठाए, इनको बाहर कर दो, इसलिए हमारे 150 वर्करों को बाहर कर दिया। आज हम सारे रोड पे हैं और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि इस हॉस्पिटल की जाँच की जाए, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है इनका टेंडर चल रहा है, जैसे वहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ भी औरतों के साथ ऐसे ही हो रहा है। यही जो प्रक्रिया है औरतों को शोषण करना, होटलों में ले जाना, सैलरी कम देना, परेशान करना, वहाँ भी सेम यही है। अम्बेडकर हॉस्पिटल है, वहाँ भी सेम यही है, वहाँ के वर्कर आकर के हमारे पास बैठी है, उनकी वीडियो, हम वीडियो आपको देंगे, शिकायत कर रही है कि यहाँ पे जो सुपरवाइजर है, जो हॉस्पिटलों का है, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं लड़कियों के साथ में। यहाँ की वर्कर झूठ बोलेगी, और कहीं की तो नहीं बोलेगी ना, जो हर जगह की वर्कर आके सामने कर रही है, और झूठ तो इसमें कुछ है नहीं, मैं प्रूफ है, हम प्रूफ दे रहे हैं, पहले भी सोशल मीडिया पे प्रूफ चली है, आज भी दे रहे हैं, लेकिन कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, हमें आश्वासन दिया गया था कि हम कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैम, कई महिलाओं ने बुराड़ी अस्पताल से शिकायत की है, अपने जवाब दो, अरे यौन उत्पीड़न की शिकायत है, जवाब दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
दिया दिल्ली पुलिस ने, क्या किया? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे दिल्ली पुलिस की कर्मचारी कहती है कि धंधा बाहर खोलना, इसका जवाब दो, जवाब दो। अरे वीडियो पे कहा है दिल्ली पुलिस की कर्मचारियों ने कि धंधा बाहर खोलना, इसका जवाब दो। सारा गुंडा सही में ही यहाँ पे, तो रिकॉर्ड आप ऐसे बोल रहे हो, आप हमारी भी तो सुनो, आप भी एक लेडी हो, यहाँ पे एमडी तक सोशल एमडी सुनता नहीं है, हमारी आवाज दबा देता है, यहाँ पे डीनस भी आवाज दबा देती है, डीनस तक आवाज दबाती है हमारा, ये पुरानी हॉस्पिटल है, यहाँ शोषण होता है और एमडी तक हमारा साथ नहीं देते हैं और डीनस भी साथ नहीं देती है, डीनस भी हमारा मुंह दबा देती है, कहते हैं कि लेते रहो सोते रहो, हम सोने के लिए आए हैं यहाँ पे, क्या हम लोग सोने के लिए आए हैं क्या, जो पुलिस के जरिए आज एमडी हमें बाहर भगा रहा है? एमडी तब कहाँ सोया हुआ था, कहाँ सोया हुआ था एमडी है? चार दिन से बिल्कुल भी उतर के नहीं आया है, भी डरता है, सब तीनों डरते हैं, शोषण करते हैं सारे, बुराड़ी हॉस्पिटल में धंधा चलता है, यहाँ पे लेडीज को सुलाया जाता है, नीचे में सुलाई जाती है, जवाब दो, जवाब दो, अस्पताल से खोल के लाए, कोठा खोला बाहर, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, महिला सब इंस्पेक्टर ने बोला कोठा खोला बाहर, सभी सफाई कर्मचारी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारे पास वीडियो है दिल्ली पुलिस की, जिन्होंने उठाते हुए ये कहा है कि आप यहाँ पे धंधा नहीं करेंगे, आप बाहर धंधा कीजिए, ये दिल्ली पुलिस है जो महिलाओं के साथ देती है। आप लोग कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोगों को 9 दिन हो गया आज अनिश्चितकालीन हड़ताल, 24 घंटे में अस्पताल के अंदर बैठे हुए थे, तब कोई पुलिस वाले नहीं आए, आज एमडी ने यहाँ पे इनको लेटर दिया उठाने के लिए, तब ये पुलिस वाले आते हैं और दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी ये कहती है कि हमने कहा कि मैडम हमारी बात सुनो, हम महिलाएं, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ शोषण होता है, तो दिल्ली पुलिस की कर्मचारी कहती है कि आप धंधा बाहर खोलना, इसकी वीडियो है मेरे पास, इसकी वीडियो है दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी की, ये वीडियो सब में वायरल होनी चाहिए इस तरीके से। के बाद क्या बोला गया पुलिस की तरफ से, आप लोगों को यहाँ पर लेकर आया गया, उठाया गया है, मारपीट के गई है, हमारे दोस्तों के साथ सारा सामान गया, हमारे साथियों को फोन लिया गया, लैपटॉप लिया गया, ये किस तरीके के आप वीडियो हमारे साथ सो यहाँ पे अपने साफ करके आना, इस वजह से महिलाओं ने धरना दिया, अब ये क्या करे, सारी महिलाओं को जेंट्सों को नौकरी से निकाल दिया, जिन्होंने सच्चाई बोला, हमारे पास सारी वीडियो ऑडियो इनकी है, ये हर लेडीज को कहते हैं हमारा नीचे सो जाओ आकर के, अगर वो नहीं सोते हैं तो सैलरी कटवा लो। कितने समय से बोल रहा था वो आपको ये सब करने के लिए? ये जो पुराना टेंडर था, पुराना टेंडर था जब भी बोला गया, जो नया टेंडर आया जब भी बोला गया, जिसकी शिकायत हमने डीएनएस से भी करी, एमडी से भी करी, कोई सुनवाई नहीं हुई, अब जब ये वायरल हो गई वीडियो, यहाँ पे हमने धरना दिया, सबको नौकरी से निकाल दिया, सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, अस्पताल को क्या पैसा लेने से, पैसा देने से मना कर दिया था, ये दिल्ली में हर जगह अस्पतालों में हो रहा है, जहाँ ठेका कंपनी है, नई कंपनी आती है, 40,000, 20,000, 15,000, 30,000, 50,000, जिससे जितना ले लो उतना पैसा लेते हैं, फिर भर्ती करते हैं, और वहाँ के सुपरवाइजर और वहाँ पे जो जिस कंपनी के सुपरवाइजर और मैनेजर है वो ये कहते हैं कि आप मेरे साथ सो जाओ तो आपकी नौकरी मिल जाएगी, अगर आप नहीं सोओगे और किसी को बताओगे तो आपको गेट से बाहर कर देंगे। अभी सभी महिलाओं ने मिलकर जो है उसका विरोध किया है, विरोध किया है, यहाँ पे वीडियो है, आप पुराने यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए बुराड़ी अस्पताल का, तो यहाँ पे इन महिलाओं से पूछ बोलते हैं कि आप अपने बना के मत आना, हमें अच्छा लगता है, ये यहाँ के मैनेजर बोलते हैं, हम अपनी इज्जत आबरू देने आए हैं कि नौकरी करने आए हैं, ये सवाल हम लोगों को जनता से भी करना पड़ेगा कि हम लोगों को एकजुट होकर बोलना पड़ेगा, ये दिल्ली पुलिस का चरित्र है कि किस तरीके से कह रही है। आज पुलिस ने आपके कितने लोगों को जो है उठाकर अंदर जेल में बंद करा है? जो आदमी अंदर है जिनको अंदर कर दिया, कुछ नहीं बताया कि किस लिए अंदर किया, जिनके पास कार्यवाही करने के लिए जाना चाहिए वो पुलिस कुछ नहीं कर रही है, ये दिल्ली पुलिस का भी चरित्र है कि महिला कांस्टेबल ये कह रही है कि आप धंधा बाहर करो, यानी कि दिल्ली पुलिस भी मिली हुई है, वो भी पैसा खा रही है, हम इसके विरोध में यहाँ पे खड़े हो कि हमारे साथियों को छोड़ा जाए, और आज हमारी मंत्री से मुलाकात होने वाली थी, जो स्वास्थ्य मंत्री है, हमारे जो मंत्री है दिल्ली सरकार के, उनसे मुलाकात होने वाली थी 11 बजे, हमने बोला पुलिस वालों को कि हमें मत उठाओ, हमारी मीटिंग है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, हमारे
का सारा सामान बाहर फेंक दिया और हमें बाहर कर दिया। मारपीट की गई है लोगों के साथ, फोन छीना गया। ये किस हक पे ये फोन छीन रहे हैं, इसका जवाब हमें दिल्ली। अच्छा, जब आप सब महिलाओं ने मिलकर शिकायत करी थी पुलिस में कि इस तरीके से आप लोगों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, तो उसका कुछ एक्शन लिया गया था कि नहीं? एक्शन नहीं लिया है पुलिस वालों ने। 9 दिनों से आप लोग हड़ताल पर है, 9 दिन से बैठे हुए हैं। आज हमारा निश्चितकालीन का 9 दिन था। शिकायतें दर्ज कराई गई तो खुद यहाँ का एसएचओ ने लेडीज पुलिस से और जेंट्स पुलिस से धक्का मार के मुझे बाहर करवाया। बनाएंगे और जीत के भी दिखाएंगे। गणतंत्र दिवस आ रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। 26 जनवरी के लिए कर रहे हैं ये 26 जनवरी के लिए कर रहे हैं ये साल। हमारे शोषण के लिए कोई नहीं आया, हमारे शोषण के लिए कोई नहीं आया। अब हमें भगाया जा रहा है, अब हमें भगाया जा रहा है। शोषण के लिए आवाज़ नहीं उठाया और हमें भगाया जा रहा है। हमारी आवाज़ दबाया जा रहा है। महिला तब यहाँ पे इज्जत लूटी जाती है, तब नहीं देखा जाता है, तब कोई पुलिस नहीं आती है, तब कोई पुलिस नहीं आती है। और अब देखो कितना पुलिस आ रही है, शोषण होता था तब कोई पुलिस नहीं आती। चाहिए लेडीज ने सारा बयान खोल दिया, खुद जो यहाँ का ऐसे चोर बुरारी थाने का, इन्होंने हमें दो लेडीजों को रात के टाइम पे जब मीडिया चली गई, जब इन्होंने धक्का मार के बाहर करा यहाँ पे, कहने लगे कि तुम्हारे वजह से सारी भेद खुल गई, सारी पब्लिक जागरूक हो गई है, सबको पता चल गया मीडिया में, क्या किसी के साथ में गलत हो रहा है, आवाज उठाना गलत है, ये बताइए। हमसे बोला जाता है, हमारे वर्करों से बोला जाता है कि आप साफ करके मत आना, जिसकी ऑडियो भी हमारे पास में। 3 बजे भेजूंगा, 3 बजे का उसने रात को भेजा था, रात को फिर मैंने रात को इस ऑफिस में भेज दिया। अभी 9-10 बजे जो है वो कल आप उसकी मैं डलवा दूंगा, ठीक है? वो आ गया? हाँ वो तो आएगा सर। अच्छा, उस दिन रात में हमने का जवाब ना दे, फार बाद में बच्चे थे, अब बताओ क्लियर? अब तो हमें तुम हो फोन पे। मैं क्लियर कुछ नहीं, मैं मेरी कहा जैसे आदत होती है ना, मेरे को एक अपना मेरा अपना है ना, ऐसा क्लीन नहीं होना चाहिए। पूछ रहा था, हाँ मेरा बस वही आपने कहा था ना, कुछ 1 महीना हो गया है, यही तो कहा था। हाँ यही कह रहा था। और थोड़ा आपको सब पता तो है, समझदार हो, कोई ऐसा थोड़ी हो कि नहीं समझते चीजों को। वो तो बात सही है सर। और बताओ कोई बात है तो बोलो। नहीं बात कोई नहीं है, आप तुम तो एकदम ऐसे ऐसी कोई बात ना है। हाँ वही बात सही है, तो अपना जब कर लिया मान आपसे सब कुछ तो बोल दिया अभी, और यही अपना कराते रहना जो भी है ना आपके संगी साथी। हाँ कोई मेरा तो कोई टेंशन होगी नहीं, और जो भी आपके संगी साथी जो साथ में जो कोई भी होता है उससे करवाते रहना, दोस्त एज ए दोस्त बनते रहो, उसमें क्या है। अच्छा अच्छा, का समझ रहे हो? किस किसके बारे में, दोस्त के बारे में कैसे? अरे नहीं सर, वो मेरे घर वाले का फोन आए रहो, वो तो इसलिए। अरे अभी कहाँ पर हो तुम? अब तो मैं अकेले यहाँ इसमें कपड़े बदल रही। नहीं कभी भी ना ऐसा नहीं किसी को सुना हो ना बात है, फिर अरे, नहीं अच्छा सर, नहीं होगा। अच्छा सर, मेरी इज्जत ना है इसमें? नहीं फिर भी हो ना, फिर भी कहेगा ना, इसलिए विश्वास होता है, सबसे बड़ा विश्वास है। हाँ ऐसी बात नहीं सर, वह बात है, मेरी भी तो इज्जत है सर। हाँ दोस्त की किसकी कही थी? अब हमारे दोस्त तो उर्मिला है, संतोष है, और लीला है, लीलम है। हाँ हाँ उसमें वही ना, पे मेन तो तुम हो ना। अच्छा अच्छा, जब भी हो इनसे आगे बात करके रखना। अच्छा नहीं सबसे नहीं, जिससे बोलूं उसी से, सबसे नहीं। अच्छा अच्छा, तो संतोष से करा बात? नहीं नहीं अभी नहीं, संतोष से करूंगा मैं, अभी जब बोलूंगा, पहले तो तुम अपना करना। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आओगे मेरे पास ना, फिर तब मैं बात करूंगा, समझाऊंगा सारा। हाँ क्यों, कल तो मेरी सर ऑफ है। ऑफ है तो चलो, मैं फिर ऑफिस फिर कैसे करेंगे? तो कहाँ कहीं में कहाँ पे मिले? मैं बता दूंगा। अच्छा, क्योंकि ना कल मैं फोन कर लूंगा तुमको, ठीक है? अच्छा अच्छा सर, मैं बुला लूंगा, वहाँ आ जाना। कितना टाइम लगता है इधर आने में हॉस्पिटल? अच्छा अच्छा सर, नहीं हॉस्पिटल आने में घर से कितना टाइम लगता है? कि ना हमें? हाँ हाँ हमें तो ऐसे 5 मिनट लगते हैं। हाँ तो बस ठीक है, फिर आ जाना, बुलाऊंगा जहाँ पे, ठीक है? अगर हुआ मेरे को टाइम मिला तो मैं बुला लूंगा। ओके
रेडी रहना तुम। ठीक है सर। ओके, मैं भी साथ में हूँ ना, अभी घर में साथ में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर पा रहा। अच्छा, और फिर नीलम का भी बाद में देखता हूँ, जो साथ में फोटो है ना डीपी में जिसके साथ, उससे देखेंगे फिर। बस यही है अपना, ऐसी चीज को रखना, क्योंकि अब आपसे सारे खुल के बात कर ली और ज्यादा हल्ला मत करना। ठीक है, कल करता हूँ। हम मीडिया को देने के लिए तैयार है, इसकी शिकायत अगर हमने करी तो क्या नौकरी से बिठा देंगे आप? हमारे सारे वर्कर को नौकरी से बिठा दिया और कहते हैं महीना में से पैसा भी निकाल के दो, सैलरी में से 5,000 रुपए भी निकाल के दो, भर्ती का भी 50,000 रुपए दो, 70,000 रुपए दो, और नहीं दिया तो घर बैठ जाओ। तो आज सबको निकाल दिया इन्होंने इसी बात बवाल पे कि आपने क्यों करा। हमने कंप्लेंट डाली, मीडिया बुलाई, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। ना तो MD बर्खास्त हुआ, ना ही DNS बर्खास्त हुई है, बल्कि उन्होंने हमें आज 9वां दिन है हमारे धरने का, आज हमारे सभी लोगों को, सभी साथियों को बाहर निकाल दिया है। और दिल्ली पुलिस की जो हेड कांस्टेबल है, जो ये SI है डबल स्टार वाली, वो क्या कहती है, अगर आपको धंधा करना है तो आप बाहर जाकर धंधा करो, कोठा खोलना है तो कोठा बाहर खोलो। हम कोठा खोलने आए हैं मैम, यहाँ पे बनकर कोठा खोलने आए हैं, जो कोठा के लिए बोले हैं कि कोठा खोलो। आप बताइए कि कहाँ का ये इंसाफ है? जब इंसाफ मांगे तो हमसे कहते कोठा खोलो, क्यों कोठा खोलने जाएंगे ये बताइए। हमारे को बोलना है, दिल्ली पुलिस लेडीज होके हमारे को हॉस्पिटल से धक्के मारती है और बोलती है बाहर कोठा खोल लो, बाहर कोठा खोल लो, इसका मतलब कि वो भी मिली हुई है। आप कुल कितने सफाई कर्मचारी हो ये जिनके साथ हुआ है? क्या कुल कितने सफाई कर्मचारी हो जिनके साथ ये हुआ है? सबके साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, सबको ऐसे जलील कर रहे हैं। ये पुलिस उनसे मिली हुई है, पैसा खा के कर, हम बैठते हैं चार गरीब, पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है, इनको पैसा मिलता है, पैसा खा के कर, सब मिली हुई है, सबके साथ हुआ है। हाँ जी, ये जो सारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत गलत हो रहा है, कम से कम 150-200 बंदे हैं जिनके साथ ये किया जा रहा है, और ये हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे, हमारी सिर्फ नॉर्मल सी गुजारिश है इनसे, वो भी ये लोग नहीं कर रहे हैं पूरा। हम लोगों को मार पीट के हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, और ये कह रहे हैं कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम्हें मारा पीटा जाएगा, और इन्हीं सब चीज़ों के पीछे हमें यहाँ पे हमारे कुछ लोगों को पिटवाया है। MD ने खड़े होकर पिटवाया, मार के निकाला लेडीजों को, बाल पकड़ के पुलिस वाली लाई है खींच खींच के बाहर, हमारा जो सफाई का सामान था वो भी सारा बखेड़ दिया। अभी आप लोगों ने क्या सोचा है कि कब तक ये हड़ताल जारी रखेंगे? जी मैम, हड़ताल जारी रखेंगे, अगर इन्होंने हमारे साथियों को नहीं छोड़ा, हम सारी लेडीजों को इंसाफ नहीं मिला, हमें नौकरी नहीं मिली, टेंडर रद्द नहीं हुआ, और MD और DNS को नहीं हटाया गया पोस्ट से, हम सारे रोड पे आ जाएंगे और सारी लेडीज अपने बाल मुंडवा लेंगी हॉस्पिटल के बाहर, सारी लेडीज अपने बाल मुंडवाएंगी, और जब दिखाएंगे दिल्ली सरकार को कि ये आपने क्या करवाया है, आपके कारण ये क्या हो रहा है, हमारी जितना भी महिला साथी है सब अपने बालों की मुंडन करवाएंगी। और जो थाना है यहाँ पे बुरारी, उससे आगे जो हॉस्पिटल है उसके आगे हम रोड पर लेकर प्रदर्शन करेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमारी औरतों को इंसाफ चाहिए, हमारी नौकरियां चाहिए। अगर गलत नहीं बोला हमने कहीं भी, हमने जो बोला सच बोला, हमारे पास प्रूफ है, वीडियो ऑडियो हर चीज है, हम पहले भी दे चुके हैं मीडिया में, आज भी देने के लिए तैयार है, हम देंगे, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही MD वही बैठा है, DNS वही बैठी है, कंपनी वही चल रही है, बदला तो क्या, हम बाहर आ गए, जिसने आवाज उठाया वो बाहर आ गए, हमें इंसाफ चाहिए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलती है, हम जितने भी साथी है हम अपने बालों का मुंडन करवाएंगे हॉस्पिटल के बाहर, और रोड पर धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम सफाई कर्मचारियों से जुड़ रहे हैं और उनका जो भी कहना है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है हमारे चैनल पर। आप लोगों ने पहले भी खबर देखी होगी कि किस तरीके से सफाई कर्मचारियों का कहना था कि अस्पताल के मैनेजमेंट द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसको लेकर ये लगातार 9 दिनों से धरने पर बैठे थे। लेकिन आज इनका ये आरोप है कि बुराड़े थाने से पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं और इनके कई साथियों को पकड़कर ले जाते हैं, जिस कारण ये लोग लगातार धरना कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले में कई ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं कि जहाँ पर एक और महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठाई, लेकिन इन लोगों की आवाज़ तो सुनी नहीं गई, लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने की ज़रूर कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लगातार ये लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं। इन लोगों ने हमें कुछ सबूत भी दिखाए हैं, जिसमें जो है इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सुनाई भी दे रहा है कि किस तरीके से इन लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, लगातार ये उत्पीड़न का शिकार हो रहे थे।
लेकिन अब भी जो है इनको जो है अपनी मांगे पूरी करने के लिए यहाँ पर धरना करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिरकार ये यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, ये एक बड़ा सवाल है। इन लोगों की जो है यही मांग है कि जल्द से जल्द इनके सभी साथियों को यहाँ से रिहा कर दिया जाए और इनको जो है इंसाफ मिले। अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कैमरा पर्सन सागर चौहान के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।